बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल वन पर हादसा हुआ है। टर्मिनल वन का एक हिस्सा टूटकर गिरा है। टर्मिनल वन का एक खंभा गाड़ियों पर टूटकर गिर गया। दमकल विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। सुबह करीब 5:30 बजे ये भयानक हादसा हुआ है। 3 लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं। इलाज के लिए इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये तस्वीरें भारत 24 पर आपको दिखा रहे हैं। डरावनी तस्वीर, टर्मिनल वन दिल्ली एयरपोर्ट का ये है। और देखिए किस तरीके से जो पिलर है, लोहे का ये खंभा, जो अचानक से गाड़ियां वहां पर जो मौजूद थी, खड़ी थी, उनके ऊपर जाकर गिर गया। जो 3 लोग हैं, ये कहे जा रहे हैं कि वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। और सोचिए इन पिलर्स में कितना वेट होगा, कितना भार होगा, और उन लोगों की स्थिति कैसी होगी। ये दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल वन का वीडियो आपको दिखा रहे हैं। वहां पर कैब्स खड़ी है जिनके ऊपर ये पिलर जाकर गिर गया। 4 गाड़ियां भी आपको एक एक करके वहां पर नजर आ रही होंगी जो हादसे का शिकार हो गए, और 4 लोग इसमें बुरी तरीके से जख्मी हो गए। एक के बाद एक गाड़ियां यहां पर खड़ी थी, क्योंकि आप जानते हैं जो लोग एयरपोर्ट जाते हैं वो इन गाड़ियों से उतरते हैं या फिर गाड़ियां यहां से लेते हैं। लेकिन इस दौरान अचानक से ये पिलर गिरा और संभलने का मौका इन लोगों को नहीं मिला। पूरी कार क्षतिग्रस्त हो गई है। कारों के बीचों बीच में ये पिलर जाकर गिरा है, जिससे पूरी गाड़ी डैमेज बुरी तरीके से हो गई है। अब सवाल किस पर खड़े किए जाए, एयरपोर्ट अथॉरिटी को इसको लेकर जवाब देना होगा कि आखिर ये पिलर ऐसे कैसे गिर गया। और सोचिए कि अगर भारी संख्या में यहाँ पर लोग होते, क्योंकि तो सुबह सुबह का वक्त था, अगर दिन का वक्त होता या शाम का वक्त होता तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भीड़ ज्यादा होती। और आज तो क्योंकि दिल्ली NCR में बारिश भी चमाचम हो रही है, तो इसीलिए आप मान लीजिए कि कुछ लोग देरी से पहुंचे होंगे। लेकिन अगर यहाँ पर भीड़ होती, लोगों की संख्या ज्यादा होती, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि नुकसान जिन लोगों को पहुंचता उसका आंकड़ा काफी ज्यादा होता। दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल वन पर यह हादसा हुआ है, जिसमें पिलर, जिसका कि बहुत ज्यादा वेट होगा, लोहे का ये पिलर, और गाड़ियों के ऊपर जो गाड़ियां, जो कार वहां पर पार्क्ड थी, उनके ऊपर जाकर गिर गया है। अब देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पर भी, क्योंकि लोगों के रिएक्शन आना शुरू हो चुके हैं। लेकिन वाकई ये हैरान करने वाला मामला है, बड़ी लापरवाही है। 4 लोगों को जो घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।